एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आज मैं यूरोप में राष्ट्रवाद इकाई एक का, पिछले वीडियो में मैंने 42 ऑब्जेक्टिव बताया था, आज 43 से बताऊंगा। और दोनों को मिलाकर देखने के बाद पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। जरूर देखें, और देखने के पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ, इसमें कौन विजयी हुआ, 43वां प्रश्न है। उत्तर है 1853 से 54, इस युद्ध में फ्रांस विजयी हुआ। 44वां प्रश्न है, किसने इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। उत्तर है काउंट कावूर। 45वां प्रश्न है, काउंट कावूर ने नेपोलियन तृतीय से किस शर्त पर संधि की। उत्तर है इटली के नीस और सेवाएं नामक दो रियासतें देने के शर्त पर। 46वां प्रश्न है, ऑस्ट्रिया और पीट माउंट में सीमा संबंधी विवाद लेकर कब युद्ध आरंभ हो गया। उत्तर है 1859 से 60 ईस्वी। 47वां प्रश्न है, इस युद्ध में कौन विजयी हुआ। उत्तर है पीट माउंट इटली, क्योंकि इस युद्ध में फ्रांस ने इटली के समर्थन में अपनी सेना उतारी थी। 48वां प्रश्न है, ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर किसका कब्जा हो गया तथा वेनेसिया पर किसका कब्जा हुआ। उत्तर है लोम्बार्डी पर पीट माउंट का तथा वेनेसिया पर फ्रांस का। 1862 ईस्वी तक में कावूर ने इटली का एकीकरण कहां तक कर दिया था। उत्तर है सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतें जैसे परमा, मोडेना तथा टस्कनी को इटली में मिला लिया गया। 50वां प्रश्न है, काउंट कावूर की मृत्यु कब हुई, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर है 1862 ईस्वी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गैरिवाल्डी पेशे से क्या था। उत्तर होगा नाविक, नाविक। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया। उत्तर गैरिवाल्डी। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है। उत्तर गैरिवाल्डी। गैरिवाल्डी ने इटली के किस क्षेत्र पर आक्रमण कर उसे जीता। उत्तर सिसिली तथा नेपल्स पर। गैरिवाल्डी पहले किसके विचार से प्रभावित थे और बाद में किसके प्रभाव में आ गए। उत्तर पहले मेजनी बाद में कावूर के विचार से प्रभावित हो गए। इटली के एकीकरण में किस व्यक्ति ने अंतिम क्षण में अपने सारे संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगे। उत्तर गैरिवाल्डी। त्याग और बलिदान की भावना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस व्यक्ति का खूब प्रचारित प्रसारित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी लिखी। उत्तर गैरिवाल्डी। अगला प्रश्न है, जर्मनी और इटली का एकीकरण कब पूरा हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर है 1871 ईस्वी। जर्मनी मध्यकाल 800 ईस्वी में किसके नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा। उत्तर है सार्लमा। आधुनिक युग आते आते जर्मनी कितने छोटे बड़े राज्यों में विखंडित हो गया। उत्तर 300। अगला प्रश्न है, उत्तर जर्मनी में किसकी संख्या ज़्यादा थी और दक्षिणी जर्मनी में किसकी संख्या ज़्यादा थी। उत्तर जर्मन राज्य में प्रोटेस्टेंट की संख्या ज़्यादा थी और दक्षिण जर्मनी में कैथोलिक की संख्या ज़्यादा थी। अगला प्रश्न है, जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है। उत्तर नेपोलियन बोनापार्ट। प्रश्न है, किसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। उत्तर नेपोलियन बोनापार्ट। 39 राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। यदि पूछा जाएगा क्वेश्चन कितने राइन राज्य संघ, तो 39। किस बुद्धिजीवी ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। उत्तर है हीगेल। का चांसलर बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था। उत्तर हीगेल। किस लेखक ने
कविताओं के माध्यम से जर्मनी में देशभक्ति जगाई? उत्तर है अंडर्ट। अगला प्रश्न है, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से कौन सी सभा स्थापित की? उत्तर है ब्रुसेलसैप्ट। अगला प्रश्न है, जर्मनी में कौन सा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था और इस आंदोलन को किसने कुचला? उत्तर है वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्र आंदोलन का केंद्र था। मेटर्निख ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कार्लसवाद के आदेश जारी किए। उत्तर है जालवेरिन नामक आर्थिक संघ 1834 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जालवेरिन एक संस्था थी? उत्तर व्यापारियों की। अगला प्रश्न, मेटर्निख के युग का अंत कब हुआ? उत्तर 1848 ईस्वी। अगला प्रश्न, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? उत्तर प्रसा। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हो रहा था? उत्तर है प्रसा। अगला प्रश्न है, 1848 के समय प्रसा का शासक कौन था? उत्तर है फ्रेडरिक विलियम। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक विलियम के बाद प्रसा का शासक कौन बना? उत्तर है विलियम। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? उत्तर है बच्चों बिस्मार्क। जर्मन डाइट में प्रसा का प्रतिनिधि कौन हुआ करता था? उत्तर बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, सेल्सविग और होस्टिन राज्यों के मुद्दे को लेकर बिस्मार्क ने डेनमार्क पर कब आक्रमण किया? उत्तर है बच्चों 1864 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है, सेडवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? उत्तर है बच्चों ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच 1866 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बच्चों, सेडवा के युद्ध में किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई? उत्तर प्रसा की जीत हुई और ऑस्ट्रिया की हार हुई। अगला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट, सेडोन का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? उत्तर 19 जून 1870 ईस्वी में प्रसा और फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न है, इस युद्ध में अर्थात सेडोन युद्ध में किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई? उत्तर है प्रसा की जीत हुई और फ्रांस की हार हुई। अगला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब और किसके बीच हुई? उत्तर है फ्रांस और प्रसा के बीच 10 मई 1871 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? उत्तर है 1871 ईस्वी। अगला प्रश्न है, ईसाई जगत किसमें विभक्त था? उत्तर है ईसाई जगत ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन कैथोलिक चर्च में विभक्त था। रूस तथा यूनान के लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के मानने वाले थे। प्रश्न है, यूनानियों ने स्वतंत्रता के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की और कहाँ की? उत्तर है हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर, जिसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित करना था। अगला प्रश्न है, कहाँ का महान कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में शहीद हो गया तथा उसका क्या नाम था? उत्तर है इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन। अगला प्रश्न है, यूनान में विद्रोह कब शुरू हो गया और किसके नेतृत्व में? उत्तर है 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चीफ सिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। अगला प्रश्न है, ग्रेट ब्रिटेन और रूस में कब समझौता हुआ कि तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे? उत्तर है अप्रैल 1826 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कहाँ का राजा भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा? उत्तर है फ्रांस का राजा चार्ल्स दशम। अगला प्रश्न है, लंदन में एक सम्मेलन कब हुआ जिसमें इंग्लैंड फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही
करने का निर्णय लिया? उत्तर है 1827 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एड्रियानोपल की संधि कब और किसके बीच हुई? उत्तर है 1829 ईस्वी में तुर्की और यूनान के बीच। यूनान एक कब स्वतंत्र राष्ट्र बना और यहाँ का राजा कौन बना? उत्तर है 1832, बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा बनाया गया। अगला प्रश्न है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर है बुडापेस्ट। अगला प्रश्न है, हंगरी पर किसका प्रभुत्व था? उत्तर होगा ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, हंगरी में कब राष्ट्र आंदोलन की शुरुआत हुई और किसके नेतृत्व में? उत्तर है 1848 ईस्वी में इसका नेतृत्व कोसुथ तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था। अगला प्रश्न है, कोसुथ किस विचारों का समर्थक था तथा उसने किसका विरोध किया? उत्तर है लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा उसने ऑस्ट्रियाई सरकार का विरोध किया। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें कब मानी? उत्तर है 31 मार्च 1848 ईस्वी। अगला प्रश्न है, संकीर्ण राष्ट्रवाद कब उभर कर सामने आया? उत्तर है 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध में। 16वां प्रश्न है, जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने और कब की? उत्तर है मैसूर का शासक टीपू सुल्तान 1789 ईस्वी में, जो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ही प्रभावित था। 101 प्रश्न, श्रीरंगपट्टम में किसने स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष लगवाया? मैसूर का शासक टीपू सुल्तान। 102 प्रश्न है, भारत देश में किस व्यक्ति ने 1821 की नेपल्स की क्रांति की विफलता पर काफ़ी दुख प्रकट किया और 1823 ईस्वी की स्पेनी स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज दिया? उत्तर है राजा राम मोहन राय, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में वह काफ़ी रुचि लेता था। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और मित्रों के बीच इसे शेयर करना ना भूलें। ज़रूर सब्सक्राइब करें।